हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज दीप और आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग लेजी आई सर्जरी, जिसको करवाने से यू कैन गेट रिड ऑफ योर स्पेक्टिकल्स परमानेंटली। फॉर द बैकग्राउंड लेट मी टेल यू गाइस, मुझे मायोपिया है दोनों आईज में। मायोपिया मीन्स आपको दूर की चीजें साफ नहीं दिखती है, एंड दोनों आईज में मेरा नंबर -4 -4.25 के करीब है, विच इज अ लॉट, बिलीव मी गाइस। इफ आई रिमूव माई स्पेक्टिकल्स आई कैन नॉट सी क्लियरली जो भी चीज मेरे सामने पड़ी है। मीन्स आई कैन सी ओके दैट इज अ बॉटल, बट व्हाट्स रिटन ऑन दैट बॉटल आई कैन नॉट टेल यू। आई कैन सी ओके दैट इज अ क्लॉक, बट वेयर आर द नंबर्स आई कैन नॉट सी दोज। सो इस लेवल की अंधी हूं मैं। सो टू गेट रिड ऑफ दिस आई डिसाइडेड टू गेट अ लेजी आई सर्जरी। आई वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन दिस काफी साल से। फॉर द कॉन्टेक्स्ट, मुझे 15 साल हो गए हैं चश्मा लगाते हुए, एंड इट्स बीन अ जर्नी मैन। सो जिनको चश्मा लगाए वो समझ पाएंगे कि आपको बचपन से ही चश्मा लग जाता है। मीन्स लाइक वेन यू आर इन फोर्थ और थर्ड स्टैंडर्ड, मायोपिया पहले ही डिटेक्ट हो जाता है, एंड तब से लेके यू नो जब तक आप ग्रो होते हो, जब आप पढ़ाई करते हो, कॉलेज जाते हो, जॉब लगती है, तब तक आप चश्मा लगा के रखते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन ऑल्सो यूज कॉन्टेक्ट लेंसेज, बट लेट मी टेल यू कॉन्टेक्ट लेंसेज आर अ हैसल। अगर आप उसको लगा रहे हो तो आपकी आईज बहुत ड्राई हो जाती है, एंड आफ्टर 6-7 आवर्स यू नो दे स्टार्ट गिविंग ए हेडेक, बैक पेन। आई थिंक दिस हैज बीन द इशू विद सो मेनी पीपल। मैंने काफी लोगों के यूट्यूब देखे हैं, दे ऑल्सो हैव द सेम जर्नी। फॉर सम टाइम इट इज ओके, लाइक आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी वेडिंग में जा रहे हो, दैट इज ओके, बट लाइक फॉर होल डे इट इज नॉट ओके। यू हैव टू रिलाई ऑन स्पेक्टिकल्स, नहीं तो आप 2 कदम भी नहीं चल सकते हो विद दिस आई कंडीशन। काफी दिक्कतें आ रही थी चश्मे से, यू नो काफी बार मेरा चश्मा टूट रहा था, कभी मैं खुद ही मुझे दिखता नहीं था, मैं बेड पे रख देती और उस पे बैठ जाती थी, तो मेरे वजह से ही कभी कभी चश्मा टूट जाता था, कभी मैं गिर जाती थी, चश्मा गिर जाता तो टूट जाता था, कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, बारिश पड़ रही है, देन यू कैन नॉट वेयर स्पेक्स। सो आई वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज लेटली। सो फाइनली आई सेव्ड अप फॉर लेजी आई सर्जरी एंड डिसाइडेड कि चलो भाई अब तो इससे छुटकारा पा ही लेते हैं। टू सी द होल प्रोसेस कैसे मैंने अपनी सर्जरी करवाई है एंड हाउ आई डिसाइडेड, सो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। दिस वीडियो इज गोना बी अ लिटिल लॉन्ग, सो ग्रैब योर टी एंड कॉफी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो लेजी आई करवाने में, लेजी आई सर्जरी करवाने में, तो आपको चेक करवाना पड़ता है कि आपकी आंखें एलिजिबल हैं कि नहीं है। इसके लिए आपको 2 टेस्ट करवाने पड़ते हैं। आई हैव नोटेड इट डाउन। फर्स्ट इज दिस डायलेटेड रेटिना एग्जामिनेशन एंड सेकेंड इज द कॉर्नियल थिकनेस और पेंटाकैम एग्जामिनेशन। डायलेटेड रेटिना एग्जामिनेशन में क्या चेक होता है कि जो आपकी आंख का पर्दा है उसमें कोई छेद तो नहीं है। अगर छेद नहीं है तो यू आर गुड टू गो, एंड अगर है तो यू हैव टू गेट दैट ट्रीटेड फर्स्ट बिफोर गोइंग इनटू लेजिक आई सर्जरी। सेकेंड एग्जामिनेशन इज द कॉर्नियल थिकनेस एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, जो आपकी आंख की पुतली होती है, बेसिकली द मिडल ब्लैक पार्ट ऑफ द आई, जो उसका थिकनेस मेजर होता है। सो ये सर्जरी करवाने के लिए आपकी आंख के पुतली का कुछ मिनिमम थिकनेस होना चाहिए इस सर्जरी में, क्योंकि वो फ्लैप रिमूव करते हैं जिससे इसका थिकनेस और कम हो जाता है। सो दीज आर बेसिकली टेक्निकल टर्म। इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर लेजिक आई सर्जरी इन अपकमिंग वीक और यू नो यू आर कंटेम्पलेटिंग इट फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो आई विल सजेस्ट कि आप 2 एग्जामिनेशन करवा के देख लो आईज का, ताकि आपको पता लग जाए कि सब ठीक है कि नहीं, वेदर योर आईज आर गुड फॉर द लेजिक सर्जरी और नॉट। फॉर द कॉन्टेक्स्ट, दिस वीडियो इज शॉर्ट 2 days before my lazy eye surgery and I'm gonna shoot the after also, and whatever the charges, जो भी hospital मैं जा रही हूँ या जो भी charges रहेंगे, ये सब आपको video के end में मिलेगा, so keep watching this video to know the full details about lazy eye surgery. Today finally is the day. आज मैं जा रही हूँ अपना eye checkup करवाने के लिए, so today doctor will check like everything is okay or not for the operation, and they will suggest कि which surgery should I go for, lazy eye surgery, contoura or smile. So they will do some test based on that only, वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए। सो वैसे मैंने एक बार आई चेकअप करवाया था, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट जो डॉक्टर जो ऑपरेशन करने वाले हैं शी इज़ ऑल्सो गोना चेक वंस, एंड उसके बाद ही लाइक आफ्टर सजेस्टिंग विच टाइप ऑफ ऑपरेशन शुड आई गो फॉर, शी विल गो फॉर द सर्जरी, एंड अप्रॉक्सीमेटली शी हैज़ टोल्ड मी कि आपको 4 to 5 आवर्स लगेगा सारे के सारे आई चेकअप करवाने के लिए, तो आई विल टेल यू इन डिटेल। सो दिस वॉज द डे 1, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज विजिटिंग इन क्लिनिक। सो इस दिन में काफी सारे स्टार्टिंग में आई टेस्ट हुए रिगार्डिंग कि आपको कितना नंबर है, यू आर वेयरिंग लेंसेज और नॉट। देन वी मेट डॉक्टर अदिति मनुधने हु वॉज गोइंग टू डू माई ऑपरेशन, सो उन्होंने काफी डिटेल में समझाया रिगार्डिंग द लेजी आई सर्जरी। दोबारा से सारे आईज के टेस्ट करने के बाद शी गेव मी द क्लीन चिट फॉर द सर्जरी। सो गाइज, इट्स फाइनली द ऑपरेशन डे, एंड आज मैं हॉस्पिटल में आई हूँ, एंड अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे बाद मेरा ऑपरेशन है। तो डॉक्टर ने आज बोला था कि यू हैव टू वॉश योर हेयर्स एंड नॉट अप्लाई एनी डिओड्रेंट और परफ्यूम और एनीथिंग एल्कोहलिक, तो वो मैंने नहीं लगाया है, एंड दे हैव आस्क्ड फ्यू मोर थिंग्स, आई विल लिस्ट डाउन दोज इन द स्क्रीन। लाइक 5-4 चीज़ें थी दैट शी टोल्ड मी टू डू,
एंड या नाउ आई एम वेटिंग फॉर माई ऑपरेशन. तो या आई एम जस्ट होपिंग कि अच्छा हो जाए. लिटिल बिट नर्वस हूँ मैं. इट लुक्स वेरी इंटिमिडेटिंग इन स्क्रीन जब वो दिखाते हैं कि हाउ योर फ्लैप इज गोना कट एंड फिर कैसे लेजिक जाएगा अंदर. बट या आई होप कि सारा कुछ सही हो जाए. इट्स ओनली 10 to 15 मिनट्स ऑफ प्रोसीजर. उसके बाद इट्स गोना बी फाइन. एंड उसके बाद दे हैव आस्क्ड मी टू ब्रिंग सनग्लासेस ऑल्सो. लाइक ऑपरेशन के बाद थोड़ी सेंसिटिविटी हो जाएगी आँखों में, जिसके लिए धूप से या फिर लाइट से सेंसिटिविटी हो जाएगी. तो आई हैव टू अप्लाई सनग्लासेस ऑल्सो. तो एक घंटे बाद ऑपरेशन है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज. गाइज, दिस इज द फ्यू मोमेंट्स बिफोर सर्जरी. तो अभी सब टेस्ट दोबारा से हुए हैं. दे वॉन्टेड टू टेस्ट लाइक बिफोर सर्जरी कि सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं, आई प्रेशर वगैरह, टोपोग्राफी हुआ है, पेंटाकैम हुआ है. तो नाउ दे विल लाइक गिव मी द ऑपरेशन थिएटर क्लोथ्स एंड इसके बाद विल गो फॉर द ऑपरेशन थिएटर. सो गाइस, आई हैव नॉट चेंज्ड इनटू दीज क्लोथ्स. बस इसके बाद ऑपरेशन थिएटर में जाएंगे और ऑपरेशन होगा. ओनली 15-20 मिनट्स का ऑपरेशन है, इफ वी कोऑपरेट, डॉक्टर ने ऐसा बोला है. तो लेट्स सी. आई एम लिटिल बिट नर्वस बट होप एवरीथिंग गोज वेल. थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस था. दे ओपन योर आइज विद द ट्वीजर्स. मीन्स इट इज पेनलेस बट यू विल सी एवरीथिंग वॉट इज गोइंग ऑन. डर लगता है, नर्वसनेस होती है, बट आपको मूव नहीं करना होता है. रेस्ट इट इज लाइक आई थिंक 10 or 15 मिनट्स ही लगे हैं मुझे सिर्फ. बाकी इफ यू कॉपरेट तो जल्दी से हो जाता है. रेस्ट यू हैव टू फॉलो वॉट एवर द डॉक्टर सेज एंड ट्रस्ट ऑन देम. या सो अभी हो गया है एंड अभी मुझे सिर्फ धुंधला धुंधला दिख रहा है. अभी नहीं दिख रहा मुझे साफ, बट आई कैन रीड द वर्ड्स नाउ दैट आई कैन से. बट अभी धुंधला दिख रहा है और थोड़ा सा इरेगुलर लग रहा है मुझे पलक झपकने में. तो डॉक्टर ने बोला है कि लाइक बाई इवनिंग ये जो थोड़ा इरेगुलरिटी है वो कम होगी. एंड या थोड़े से ड्रॉप्स वगैरह देंगे, सो वो देखते हैं क्या है. आई थिंक अभी बेस्ट इज टू स्लीप. या सो मैं घर जाके सो जाऊंगी 3-4 घंटा, उसके बाद आई विल अपडेट यू गाइस. अभी फिलहाल जैसे जैसे नमिंग ड्रॉप्स का इफेक्ट जा रहा है, आई एम फीलिंग मोर पेन इन द आईज. तो खोलने में काफी दिक्कत हो रही है. सो डॉक्टर ने सजेस्टेड कि आप गॉगल्स लगा के रखो. थोड़े बहुत ही ड्रॉप्स वगैरह दिए हैं, वो आई हैव टू यूज रेगुलरली 2 hours के स्पैन में. अभी जाके सो जाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसा रहता है. सो मैं 2 घंटा जाके सो गई थी एंड दिस इज हाउ माई आईज वर लुकिंग आफ्टर आई वोक अप. नेक्स्ट डे कॉम भी नहीं की है मेरे. Back to today. This is 2 weeks after the lazy eye surgery and I am feeling absolutely amazing. मैं दूर का लिखी हुई चीजें देख पा रही हूँ, काफी छोटी छोटी चीजें हैं वो भी देख पा रही हूँ. The doctor has told me कि मेरा vision 5/6 हो चुका है अभी. And I can read all the lines, I can read all the letters, I can see every bit of everyone's face, I can read all the lines. I am feeling absolutely amazing. So anyway, let's talk about money/expense वाला part. सो मेरा कॉन्टोरा विजन सर्जरी हुआ था, विच इज काइंड ऑफ एन एडवांसमेंट ऑफ लेजिक. सो इट कॉस्टेड मी अराउंड 90,000 टोटल इंक्लूडिंग द टेस्ट. सो फर्स्ट डे पे वी पेड 3,500 फॉर द टेस्ट एंड बाकी का जो बचा हुआ पैसा था वी पेड ऑन द सेकेंड डे बिफोर द ऑपरेशन स्टार्टेड. सो टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल, मैं गई थी क्लियो आई केयर क्लिनिक में, जहां पे डॉक्टर अदिति मनुधने, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम राइट, हैज डन माई सर्जरी एंड शी वॉज सुपर सपोर्टिव. उन्होंने हमें सारे प्रोसीजर काफी डिटेल में समझाया एंड बहुत स्मूथली हो गया था मेरा सर्जरी. काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा उनके साथ. सो इफ यू गाइज आर नियर दिल्ली और दिल्ली एरिया, तो आई विल हाईली रेकमेंड टू चेक विद हर वंस इफ यू आर प्लानिंग फॉर द लेजी आई सर्जरी इन फ्यूचर. ओके जी, अब बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द प्रिकॉशंस या फिर क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है. तो फर्स्टली आफ्टर लेजी आई सर्जरी आंखें काफी सेंसिटिव हो रही होती है. सो दे सजेस्ट यू टू वेयर सनग्लासेस, स्पेसिफिकली दीज टाइप ऑफ सनग्लासेस जो यहाँ साइड से भी कवर होते हैं, ताकि बिल्कुल भी कोई भी लाइट आपके अंदर ना जाए. धूम मचालो टाइप चश्मे लगते हैं. सो बाय वेयरिंग दीज कैसा होता है कि लाइट अंदर जाने का या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर जाने का खतरा नहीं रहता. सो आई वॉज वेयरिंग दीज इवन जब मैं सो रही थी, क्योंकि मुझे सुबह उठ के आईज रब करने की आदत है. तो रिमाइंड माई सेल्फ नॉट टू रब माई आईज, बिकॉज स्टार्टिंग का 1 week बहुत ही क्रूशियल होता है. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स लाइक नॉट रब योर आईज एंड वेयर दिस गॉगल्स इन साइड एंड आउटसाइड ऑफ द होम. एंड जो आपने इससे पहले की क्लिप्स में थोड़ा मेरे आईज में रेडनेस देखा था आफ्टर द ऑपरेशन, दैट हैज इवेंचुअली वर्न ऑफ. इफ यू गाइज कैन सी,
I still have those red marks in the left eye specifically. Right eye में काफी heal हो चुका है. And this will go eventually. Doctor ने बोला है कि you don't have to worry about this. This is a normal thing and like it will wear off. Secondly, आपको 3-4 type के eye drops and eye gel दिया जाता है to prevent the bacterial infection and to address the dry eyes. क्योंकि काफी dry भी हो जाती है eyes after surgery. These are totally subjective, so I will suggest कि जो भी डॉक्टर आपका सर्जरी कर रहा है आप उनसे कंसल्ट करो, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लो, what kind of eye drops you have to take, and कितने टाइम स्पैन में आपको यूज करना है. Next is one of the most important steps in LASIK eye surgery, that आपको आईज में पानी नहीं डालना है for 2 weeks after the surgery. I am near about the second week of my surgery, but अभी तक I have not washed my face. I have been using this Evolve eye gel mask. So, ये कुछ ऐसा शीट मास्क टाइप के वाइप्स हैं. I've been using this only to clean my eye area and my face. फेस वॉश के साथ साथ हेड वॉश भी स्ट्रिक्टली मना किया था डॉक्टर ने मुझे फॉर 1-1.5 weeks. सेम रीजन, पानी नहीं जाना चाहिए आंखों में. इसके अलावा लाइक जस्ट आफ्टर ऑपरेशन अवॉइड यूजिंग फोन और लैपटॉप टू मच. इवेंचुअली आपकी आंखों का टॉलरेंस बढ़ जाएगा, सो यू कैन गेट इनटू योर नॉर्मल लाइफ इन 2-3 weeks. इन एडिशन टू दैट, अगर आप कोई भी मेकअप या स्किन केयर कर रहे हो अपनी स्किन पे, तो अवॉइड द आई एरिया फॉर फ्यू वीक्स. इसके अलावा 3-4 weeks तक हैवी वेट्स भी नहीं उठाने होते हैं आफ्टर द आई ऑपरेशन. सो बस ये कुछ 4-5 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है आफ्टर यू हैव गॉट द लेजिक आई सर्जरी. सो विद दैट सेड, आई थिंक मैंने सब चीजें कवर कर दी है इस वीडियो में. अगर फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया है या आपको कुछ क्वेरी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड बी हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरीज. विद दैट सेड, ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगा, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.